हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, अगर आप यहां पर Realme के अपकमिंग 8 सीरीज का वेट कर रहे हैं इंडिया में लॉन्च होने के लिए, तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों फाइनली यहां पर ऑफिशियली माधव सर की तरफ से जो Realme की अपकमिंग 8 सीरीज है वो यहाँ पर टीज होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माधव सर की तरफ से ऑफिशियली Realme 8 सीरीज की जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पर कर दी गई है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने जा रहा हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो है सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं Realme की अपकमिंग 8 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, जिसमें आपको Realme 8 और Realme 8 Pro स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर कल Realme Narzo 30 सीरीज इंडिया में लॉन्च हुई है। और अब उसके बाद में मैं आपको काफी समय से बता ही रहा हूं कि आपको Realme की जो 8 सीरीज है वो देखने के लिए मिलने वाली है Realme Narzo 30 सीरीज के बाद में। तो यहां पर Narzo 30 सीरीज आ गई, अब नंबर है Realme की अपकमिंग 8 सीरीज का। अब दोस्तों, कल दोपहर में Realme Narzo 30 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, और शाम को ही माधव सेठ की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल करके आ चुकी है Realme की अपकमिंग 8 सीरीज के स्मार्टफोन को लेकर के। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ऑफिशियल ये चीज टीज कर दी है। यहां पर इनका यह कहना है कि वर्क नेवर स्टॉप एट Realme, I am already working on infinite leap with 8. 8 नंबर को इन्होंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब Realme 8 सीरीज है 100% कंफर्म हो जाता है। उसके साथ दोस्तों, यहां पर जो 8 नंबर है उसको भी इन्होंने इस इमेज में हाईलाइट किया है, यहां पर आप देख भी सकते होंगे। तो इससे अब ये चीज 100% ऑफिशियली कंफर्म हो जाती है कि Realme 8 सीरीज के स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, और ये जो स्मार्टफोन होंगे वो मार्च 2021 आपको अगले महीने में देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों, यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि जो Realme 8 सीरीज के स्मार्टफोन होंगे वो मार्च के फर्स्ट वीक में ही हम यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं इंडिया में। यानी Realme 8 और Realme 8 Pro स्मार्टफोन मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी हम समझ सकते हैं कि 10 मार्च से पहले ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा पूरा चांस यहां पर बना हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे माधव सर की तरफ से ऑफिशियली टीज कर दी गई है, इसका मतलब इसका लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही Realme 8 और Realme 8 Pro स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई लॉन्च की। अब मैं आपको एक और बड़ी गुड न्यूज यहां पर दे दूं कि आज माधव सर की तरफ से अभी भी यहां पर 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो यहां पर टीज होना स्टार्ट हो चुका है, और आप यहां पर इमेज में भी देख सकते होंगे कुछ इस टाइप की जो कैमरे की डिजाइनिंग है वो यहां पर निकल के आई है। क्वाड कैमरा फिलहाल यहां पर शो किया गया है, और स्क्वायर शेप में जो कैमरा है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रियलमी 8 सीरीज में आपको स्क्वायर शेप में इसी कैमरे मॉडल में जो कैमरा है वो देखने के लिए मिलने वाला है इसी शेप में, और यहां पर आपको Realme 8 Pro स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है। ये चीज यहां पर माधव सेठ के इस ऑफिशियल टीजिंग से 100% कंफर्म हो जाती है। अब यहां पर उन्होंने ये तो कंफर्म बताया नहीं कि किसमें आ रहा है, लेकिन इन्होंने इनफाइनाइट लीव विद 8 करके यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब Realme 8 सीरीज है। और इसके साथ में यहां पर इन्होंने कहा है कि आप स्टे ट्यून रहिए, हम 108 मेगापिक्सल के कैमरे की जो भी डिटेलिंग होगी, जो भी चीजें होंगी, वो कल यहां पर अनवील करने वाले हैं। तो कल जैसे ही अनवीलिंग होगी मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इससे एक चीज 100% कंफर्म हो गई कि Realme 8 सीरीज में 108 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है, और कुछ ये वाली जो कैमरे की डिजाइनिंग है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब यहां पर मैं आप बात करूं अपनी कुछ पर्सनल एक्सपेक्टेशन के बारे में, तो यहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो Realme 8 स्मार्टफोन है वो Realme Narzo 30 सीरीज से कम की प्राइसिंग में हमें इंडिया देखने के लिए मिल जाए, और सबसे बड़ी चीज कि उसमें हमें 5G देखने के लिए मिल जाए। अगर Realme 8 सीरीज में 5G आता है और Realme Narzo 30 Pro स्मार्टफोन से कम प्राइस पे आता है, तो ये जो स्मार्टफोन काफी बेस्ट निकल करके आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी Realme Narzo 30 Pro स्मार्टफोन ओवर प्राइस्ड हो चुका है इंडिया में। इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो यहां पर 15,000 रुपए के आसपास रहती, तो ये जो स्मार्टफोन काफी बेस्ट निकल करके आ सकता था, लेकिन Realme ने इस स्मार्टफोन की प्राइस को 17,000 रुपए रख दिया है बेस वेरियंट के लिए, और जो हाइयर वाला वेरियंट है वो कुछ यहां पर 20,000 रुपए पे लॉन्च किया गया है। तो यार, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मुझे Realme Narzo 30 Pro स्मार्टफोन का 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट लेना ही होगा 20,000 में, तो उससे अच्छा मैं Realme X7 स्मार्टफोन को नहीं ले लूंगा AMOLED डिस्प्ले के साथ में सेम उसी प्राइसिंग पे। तो ये डिटेल्स निकल करके आई है, कहीं ना कहीं Realme Narzo 30 सीरीज ओवर प्राइस्ड है। हम ये उम्मीद करते हैं कि Realme 8 सीरीज के साथ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो Realme नंबर सीरीज होती है वो काफी पॉपुलर सीरीज होती है, और हम पूरा ये उम्मीद कर रहे हैं कि काफी सस्ते में ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। Realme 8 सीरीज में भी 5G आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ये चीज कंफर्म है। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है Realme 8 सीरीज के स्मार्टफोन को लेकर के? आप यहां पर Realme 8 और Realme 8 Pro दोनों स्मार्टफोन से कौन से स्मार्टफोन का ज्यादा वेट कर रहे हैं? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फाइनली ये थे कुछ डिटेल्स आई हुई, मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। अब फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूं छुट्टियों का समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।